कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल, क्योंकि कोई भी टॉपिक हो, कोई भी हमारी ह्यूमन सिस्टम का कोई भी सिस्टम हो, अल्टीमेटली जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है सेल। तो पहले हम समझेंगे सेल होता क्या है, इसका नाम सेल ही क्यों पड़ा, और कुछ भी हो सकता था, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, इसे डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक इन्वॉल्व थे तो उन्होंने क्या काम किया। उसके बाद सेल के टाइप्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं सेल से। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हम सबसे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि ये लाइन एज इट इज आ जाती है हमारे एग्जाम में, कि सेल की डेफिनेशन, सेल है क्या, सेल क्या है, सेल है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दैट सेल क्या है, BSF, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो हो गया, रट लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट इसे क्यों कहा गया है। तो अगर हम देखें तो सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है सेल। बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, अलग अलग ऑर्गन, जैसे कि लीवर, जैसे कि पैंक्रियास, जैसे कि किडनी, जैसे कि लंग्स, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हमने शो कर रखा है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, और बहुत सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब क्या बनाते हैं, फुल ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम ऑर्गेनिज्म को काटें तो सबसे छोटी यूनिट हमको क्या मिलेगी, सेल। यानी ये कॉम्प्लेक्स है और ये क्या है, सबसे बेसिक। तो सेल को हमने क्या कह दिया, बेसिक। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल क्यों कहा गया है, क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर किससे मिलके बना है, इस सेल से। नेक्स्ट फंक्शनल। फंक्शनल क्यों कहा गया, भाई ये ऑर्गन सिस्टम अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। लिवर क्या कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेस्ट। लंग्स क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन। किडनी क्या कर रही है, एक्सक्रीशन। तो ये सब फंक्शन किसके वजह से हो रहे हैं, सेल की वजह से। यानी ये सेल क्या हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज BSF। आता है सेल के बारे में कि इसका नाम सेल ही क्यों पड़ा। तो वर्ड सेल जो है ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है सेल्यूला। यहां भी सेल आ रहा है और सेल्यूला में भी सेल आ रहा है, यानी सेल जिससे डिराइव्ड है, सेल्यूला से। और सेल्यूला मतलब क्या होता है, स्मॉल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे घर कह लो जिसे, स्मॉल कंपार्टमेंट्स। जैसे अगर हम सेल को देखें तो ये सेल है, ये क्या है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट जैसे लग रहे हैं, इसका मतलब सेल्यूला। तो वर्ड सेल किससे डिराइव्ड है, एक लैटिन वर्ड से सेल्यूला, जिसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे घर। नेक्स्ट जो आता है वो आता है सेल क्या है, एक एक्वस कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट तो ये हो गया, और एक्वस मतलब क्या होता है, एक्वस मतलब इसके अंदर एक एक्वस फ्लूइड भरा है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो एक्वस रिलेट करता है साइटोप्लाज्म से, और कंपार्टमेंट मतलब ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं। तो एक्वस कंपार्टमेंट है क्या, हमारे सेल। सो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो सेल के बारे में ही आता है, कि जो हमारा सेल है, इट इज बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल के चारों तरफ क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, और सेल के चारों तरफ होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसी सेल मेम्ब्रेन के वजह से ये जो एक्वस एरिया है, दैट इज साइटोप्लाज्म है। एक्वस मतलब क्या होता है, पानी, और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, 60-90% क्या होता है, पानी। इसीलिए इस सेल को हम क्या कहते हैं, एक्वस कंपार्टमेंट। एक्वस रिलेट करता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म से, और साइटोप्लाज्म मतलब क्या हो गया, 60-90% वाटर, इसीलिए वाटर से आया एक्वस। और कंपार्टमेंट मतलब ये छोटा सा एक कमरा है। तो ये कमरा किससे बाउंडेड है, ये कमरा बाउंडेड है सेल मेम्ब्रेन से। वो मेम्ब्रेन जो सेल के आसपास है उसे हम क्या कह देंगे, सेल मेम्ब्रेन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं। तो सेल को अगर हम क्लासिफाई करें, और हम क्लासिफाई करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, यानी सेल का अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उस बेसिस पे जो सेल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला इस प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा इस यूकैरियोटिक सेल। तो पी से प्रो, पी से पहले, यानी जो पहले सेल आए वो प्रोकैरियोटिक सेल आए। पी से प्रो, पी से पहले, यानी जो पहले सेल आए वो प्रोकैरियोटिक सेल आए। और बाद में इवोल्यूशन जब हुआ तो जो बाद में सेल आए वो आए यूकैरियोटिक सेल, जहां पे यू मतलब क्या होता है, ट्रू। ट्रू क्यों कहते हैं अभी ने, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कौन होता है, डायरेक्टर ऑफ सेल।
तो इनका जो डायरेक्टर ऑफ सेल है, न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, यानी वो सेल है जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, यानी जिनका न्यूक्लियस है, इनका जो डायरेक्टर है वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, इसीलिए इन्हें ट्रू या फिर यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, जब इनके पास न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप है, यानी प्रोकैरियोटिक के पास जस्ट उल्टा हो जाएगा, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, यानी इनका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, उसके अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, यानी सेल इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो टाइप के, प्रोकैरियोटिक सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, और यूकैरियोटिक दैट इज ट्रू सेल्स जिनके डायरेक्टर ऑफ सेल दैट इज न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, एक कवरिंग है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन अराउंड न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब फटाफट हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमने पढ़ा था BSF, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं हम, सेल को, क्योंकि सेल ही सबसे छोटी यूनिट होती है जो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट जो होती है, जो सबसे बेसिक यूनिट होती है, वो होती है सेल। नेक्स्ट हमारा था वर्ड सेल इज डिराइव फ्रॉम, हमने पढ़ा था वर्ड सेल एक लैटिन वर्ड से आया है सेलुला, क्योंकि सेलुला वर्ड में भी सेल आ रहा है, यानी सेल वर्ड किससे डिराइव्ड है, एक लैटिन वर्ड सेलुला से, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी ये जो फोर्थ ऑप्शन है ओमनी सेलुला ए सेलुला, ये क्या है, ये सेल थ्योरी का पोस्टुलेट है। तो वर्ड सेल किससे डिराइव्ड है, एक लैटिन वर्ड सेलुला से। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है सेल्स दैट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस यानी क्या नहीं है, वो न्यूक्लियस जिसके अराउंड मेम्ब्रेन हो। तो हमने पढ़ा था जो पहले सेल्स होते हैं दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स, इन्हीं के पास क्या होता है, जो डायरेक्टर ऑफ सेल न्यूक्लियस है उसके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी जो सेल जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होती वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है द सेल दैट कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यानी वो सेल जिनके न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है, यानी जिनके डायरेक्टर ऑफ सेल के पास क्या होता है, प्रॉपर मेम्ब्रेन होता है, वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल, जहां पे यू मतलब क्या होता है, ट्रू। इनको ट्रू इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो डायरेक्टर ऑफ सेल है, जो न्यूक्लियस है, उसके अराउंड क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप है, तो ये क्या हो गए, ट्रू सेल्स। जितना पढ़ा उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए, हम चीजों को समराइज कर पाए। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था BSF, दैट इज सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सबसे बेसिक पार्ट होता है सेल, स्ट्रक्चरल क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर बनाता है, फंक्शनल क्योंकि उसी से फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो BSF दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, इट इज बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन, दैट इज ये जो सेल है इसके चारों तरफ क्या होती है, इसके चारों तरफ होती है सेल मेम्ब्रेन इसकी प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ये क्या है, एक्वस कंपार्टमेंट, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इस कमरे के अंदर, इस कंपार्टमेंट के अंदर क्या है, एक्वस फ्लूइड दैट इज साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, सेल किससे डिराइव्ड है, लैटिन वर्ड सेलुला से, सेलुला का मतलब क्या होता है, सेल, भाई सेलुला में तो नाम से ही लग रहा है, सेलुला स्टैंड्स फॉर सेल। दूसरा हमने इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेल को दो टाइप में बांटा था, पहले प्रोकैरियोटिक सेल थे जिनके अराउंड, जिनके न्यूक्लियस के अराउंड क्या था, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं था, दूसरे क्या थे, यू दैट इज ट्रू, यानी इनके न्यूक्लियस के अराउंड क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था। तो ये सारे पॉइंट है जिससे हम सेल के बारे में पढ़ सकते हैं।